हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पुदीने की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। आप किसी भी आप स्नैक्स के साथ इसको ले सकते हो, जैसे टिक्की, भल्ले, चाट, गोलगप्पे, किसी के भी साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। अब अगर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज, वो सब मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखो ग्राइंडर में। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम चीनी अपने स्वाद अनुसार, जितना आपको पसंद है उतना मीठा डाल सकते हो, नमक, काली मिर्च घर की पिसी हुई, इसको कर लेंगे मिक्स। हमारी चटनी जो है रेडी हो चुकी है। चलो चलते हैं अब इमली की चटनी बनाने की ओर। इमली को मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब इसको एक छलनी की सहायता से हम छान लेंगे और सारा गुद्दा जो है निकाल लेंगे इसका, हल्के हल्के हाथों से मसल मसल के। हमारा जो गुद्दा है देखो निकल रहा है नीचे से, हल्का हल्का निकालना है। और अब हम गैस चला लेंगे, एक बाउल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम छनी हुई इमली, इसको 2-3 उबाल आने तक हम पकाएंगे। देखो उबाल आना शुरू हो चुका है। 2-3 उबाल आने के बाद इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी, 4-5 चम्मच हम इसके डालेंगे। इमली कई तरह की होती है, कई ज़्यादा खट्टी होती हैं तो कोई मीठी होती हैं। अब डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी देगी मिर्च। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हो। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी शक्कर, तकरीबन 3-4 चम्मच शक्कर के डालेंगे, इससे स्वाद जो है और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। आप चाहो तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हो। अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स और पकने के लिए रख देंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि इसमें 2-3 बॉयल जो है आ जाए और ये पक जाए अच्छे से। इमली की चटनी जो है देखो पक के रेडी हो चुकी है। अब इसमें आप केले काट के डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं और अपने स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि दही भल्ले हैं, पकौड़े हैं, गोभी के। आप भी करें इंजॉय और मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।